बिग बॉस OTT का पहला सीजन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। घर में कंटेस्टेंट्स की लड़ाई झगड़े के साथ ही बॉन्डिंग भी बढ़ रही है। कुछ कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के साथ अपनी दिल की बातें भी शेयर करने लगे हैं। मूज जटाना ने प्रतीक सहजपाल को अपनी एक बात बताई है। जी हाँ, मूज ने प्रतीक सहजपाल से कहा कि वह बाइसेक्सुअल है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वह किसी लड़की से शादी करना पसंद करेंगी। मूज कहती है कि वह लड़कों के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि जब कनेक्शन की बात आती है तो उनके लिए लड़कियां ज्यादा मायने रखती है। उर्फी जावेद और जिशान खान के बीच जंग छिड़ जाती है। उर्फी को घर के सदस्य समझाते हैं, वहीं जिशान अपने पक्ष रखते नजर आते हैं। राकेश बापट और शमिता शेट्टी अपने आगे की गेम को लेकर चर्चा करते हैं। किचन में घर के सदस्य खाना बनाने जाते हैं तो सभी को अपनी अपनी ड्यूटी करने की कुछ कंफ्यूजन के कारण किचन में हंगामा मच जाता है और ड्यूटी पर बहस होने लगती है। पहले निशान भट्ट की जिशान खान के साथ जबरदस्त बहस होती है और बाद में जिशान प्रतीक सहजपाल के साथ भिड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा परसीन की मूज के साथ तू-तू मैं-मैं हो जाती है। किचन की लड़ाई के बाद जिशान खान और प्रतीक सहजपाल अपनी गलतफहमी दूर करते हैं। शमिता शेट्टी जिशान को समझाती है। प्रतीक और दिव्या अग्रवाल भिड़ जाते हैं। पहले दिव्या अग्रवाल का घर में कनेक्शन नहीं था, लेकिन अब उनका कनेक्शन बन जाने पर वह नॉमिनेशन से सुरक्षित हो जाती है। इस टॉस में खेलने के बाद चार कनेक्शन नॉमिनेशन से सुरक्षित हो जाएंगे, वहीं एक कनेक्शन सीधे साधे घर से नॉमिनेट हो जाएंगे। घर की कैप्टन जोड़ी अक्षरा सिंह और प्रतीक सहजपाल नॉमिनेशन से पहले ही सुरक्षित है। अब उर्फी जावेद के साथ शमिता शेट्टी और राकेश बापट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं। बताते चले कि बिग बॉस ने पहले घर में एक कनेक्शन तुड़वाने और दिव्या अग्रवाल के साथ जोड़ी बनाने के लिए बजर टास्क करवाया, जिसमें जिशान खान ने बजर दबाकर उर्फी जावेद संग अपनी जोड़ी तोड़कर दिव्या के साथ कनेक्शन बना लिया। नतीजा ये हुआ कि दिव्या अग्रवाल, जो पहले दिन से ही बेघर होने के लिए नॉमिनेट थी, वह सेफ हो गई और उर्फी जावेद घर से बेघर होने के लिए सीधे सीधे नॉमिनेट हो गई।